हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। ये उत्तराखंड प्रीलिम्स सीरीज़ में हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम 2018 के पेपर को इसमें हम 2018 का सिविल जज का प्री का पेपर देखेंगे। पार्ट वन को देखा जाए और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाई। इसका सही आंसर है डी, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की कुल संख्या 15 होती है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल का होता है और ये जज एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र जन असेंबली और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शारदा एक्ट 1930 किससे संबंधित है? विधवा विवाह, चाइल्ड मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या पॉलीगेमी। शारदा अधिनियम जो है ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। इसमें अगर आप देखें तो ये 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया और इसके तहत लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 वर्ष तय की गई। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी शैल बी डीम्ड मेंबर ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप काफ़ी चीज़ों को देख सकेंगे, जैसे ये आपका इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें सही आंसर है डी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर इसकी इस पर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी शैल बी डीम्ड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगर ह्यूमन राइट की हम बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। इसके 4 परमानेंट सदस्य होंगे और 4 मानद सदस्य होंगे। मानद सदस्यों में आपके जो 4 आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आयोग, इनके अध्यक्ष और साथ में एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय के न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, और 2 सदस्य जो मानवाधिकारों की जानकारी रखते हों या उनको अनुभव हो। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, टाइम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड। इसका आंसर सीधे सी है, जो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति साल में जो दो बार सांसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं, इसी के बीच में देखें तो मिनिमम जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है जो 2 सेटिंग के बीच में, 2 सेशन के बीच में, वो आपका 6 मंथ का है। पांचवा क्वेश्चन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? यह है 1 बार, जिसमें से आपके सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। छठा क्वेश्चन देखा जाए, द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन। इसका सीधा आंसर है बी, राष्ट्रपति जो होता है वो आपके सुरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करता है। सातवां क्वेश्चन है, UNHCR किससे संबंधित है? अगर UNHCR का फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी है ये, तो ये सीधे है कि ये डी पार्ट रिफ्यूजियों से संबंधित है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को की गई। और इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान प्राप्त करना है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल वॉज इंसर्टेड बाई। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सी, 91st Amendment। नौवें क्वेश्चन को देखा जाए, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने देखा है कि वो आपकी 11 है। द अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड ऑपरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बहुत सारे हैं, जजमेंट केशवानंदा से लेके अगर आप जाएँ संजन कुमार, इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिसमें ये हेल्ड किया गया कि इंटीग्रल पार्ट है, इसका आंसर है आपका जो मेन है, केशवानंदा भारती यानी स्टेट ऑफ केरला 1973। 11वां क्वेश्चन है, बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 कब आया, ये कब आया, इफेक्ट में आया? तो इसका आंसर है ए, 1 नवंबर 2016। ये हम देखें तो 2018 में पूछा गया है 16 का ट्रांजेक्शन का अमेंडमेंट एक्ट। 12वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, टू ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंज इन हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एबॉलिश द UGC एंड रिप्लेस इट विद।
जो नया बना है उसके लिए है कि इसे हिंदी में देखते हैं, उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस संस्था को बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है बी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इंडिया इज, ये हम सब जानते हैं, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द ऑर्डिनेंस 14th क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज कंसर्न इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका 213। अगर आप इस पर ध्यान दें तो प्रेसिडेंट की है 123 और गवर्नर की है 213। 15 क्वेश्चन देखते हैं, दोकलाम इशू करंट अफेयर्स से है, इंटरनेशनल रिलेशन से है। दोकलाम इशू वॉज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच टू नेशन, इसका सही आंसर है इंडिया एंड चाइना। लोकेशन देखेंगे तो ये आपका इंडिया भूटान और चाइना के टाई जंक्शन में पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर देखी जाए तो वो भूटान की है और इसमें इंडिया जो है वो आपका सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व रहता है। 16 क्वेश्चन देखा जाए, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज ब्रॉट इन टू ऑपरेशन, इसका आंसर है आपका बी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 17th क्वेश्चन देखें, द इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस विच शुड बी कम्प्लीटेड विद अ मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 62, पद की पदाच्युत मृत्यु पदत्याग इन सब के 6 महीने के भीतर आपके राष्ट्रपति पद का दोबारा से निर्वाचन होना बहुत ज़्यादा निर्वाचन होना ज़रूरी है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5th एनुअल मीटिंग वॉज कंक्लूडेड एट द विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस, इसका है दावोस। WEF की जो एनुअल होती है वो तो हमेशा दावोस या स्विट्जरलैंड या मोस्टली दावोस में ही होती है। 19वां क्वेश्चन देखा जाए, द टर्म ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हमने पहले ही देखा था, इसका है 9 ईयर। क्वेश्चन 20, हु अमंग द फॉलोइंग जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग जस्टिसेस ऑफ इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, निम्नलिखित में से भारत में निम्न मुख्य भारत के निम्न न्यायमूर्तियों में से किसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो ये हम जानते हैं हमेशा मिस्टर जस्टिस दलवीर भंडारी। और अगला क्वेश्चन है 21वां, EVM रिफर्स टू, यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डिवाइस। क्वेश्चन 22 है, द फेमस केस ऑफ नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, द सेक्शन ऑफ IPC हुज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वॉज चैलेंज इज, इसका आंसर है आपका ए, 377। अगला क्वेश्चन है 23rd, इन इंडिया द सेलिब्रेशन ऑफ 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर एज लॉ डे वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर, इसका आंसर है डी, 79। 24 क्वेश्चन का देखें, तो 65th नेशनल फिल्म फेस्टिवल द प्राइज ऑफ बेस्ट फिल्म इज गिवन टू इसका आंसर है विलेज रॉकस्टार। 25th क्वेश्चन देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ A&B प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ओनली एंड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 24 का सबसेक्शन 4, क्षमता एवं साबित कदाचार द्वारा के कारण हटाया जा सकता है।